देखिए बहुत अच्छा, मैं पहले भी बीजेपी ज्वाइनिंग के टाइम पे भी आया था और ज्वाइनिंग के बाद आपकी पार्टी के पहली बार आया हूँ। ऐसा ही उसका उस वक्त था, ऐसा याद रखिए, उसका बढ़ता ही जाएगा। सर अब तक दो चुनाव हो चुके हैं, अगर बात करें बड़ौदा उपचुनाव की, अगर बात करें अहमदाबाद उपचुनाव की, तो दोनों में जो सरकार है उसकी हार हुई है, तो ये तीसरा उपचुनाव क्या लगता है? दोनों की हार बढ़ा देंगे और रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री आदमपुर से होगी। और मनोहर लाल खट्टर जी की जो काम करने का तरीका है और मनोज मोदी जी की नीतियां हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे और रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएंगे यहां पे। सर अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो उसमें दुष्यंत चौटाला, भूरिया बिश्नोई और बिजेंद्र सिंह, तीनों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी तीनों सत्ता पक्ष में है, तो जनता एक दूसरे क्या ये मजाक हो जाएगा हमारे साथ? मजाक नहीं हो रहा, जनता पर खुश हो रही है और घबराहट हो रही थी कांग्रेस के लोगों को कि हम कहां जाए, क्योंकि तीन लोग आपस में प्रतिनिधि इकट्ठे हो गए तो ट्रिपल पावर हो गई हमारी, हैट्रिक पावर हो गई है, तो पसीना तो कांग्रेस को आना चाहिए। जैसे बीजेपी में आप गए, उसके बाद बीजेपी के जो टिकट के दावेदार यहां थे, मैदान में भी थे, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में वो बीजेपी के जो जितने नेता कार्यकर्ता आपके साथ लगेंगे? देखिए ऐसा है कि बीजेपी और मैं हम एक हो गए हैं, जैसा तो है कि आपको झड़े कांग्रेस की तरह, भारतीय जनता पार्टी में कोई झड़ा नहीं है, सब नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को नेता मानते हैं अपना, और प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी को, तो हमारा कोई मन मुटाव नहीं है। बाकी आज सुनाली फोगाट जी की, अमित शाह जी की, तो हम लोग एकमत हर परसों पूरी आदमपुर की टीम की मीटिंग भी मेरे यहां दुकान के अंदर, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को हमने भारत मुक्त करना है। जैसे सोनाली जी पिछले इंटरव्यू में मेरा दो दिन पहले इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था सेरी ने अगर दो कदम पीछे कर लिए तो ऐसा नहीं कि मैदान छोड़ के चले जाए, तो उन्होंने जो टिप्पणी की थी और आज आप लोग दोनों आपने मुलाकात की, क्या समझते हैं उसके मायने? जवाब आप उनसे दीजिए, कल उनसे दोबारा पूछे उनका जवाब कुछ फर्क होगा। अच्छी नेता है और काफी अच्छी लंबी हमारी मीटिंग हुई उनसे, लगभग उनके घर पर मेरी चाय थी एक घंटा लगभग, और सारे हमारे पे मन मुटाव थे और सब दूर हो गए, मिलकर काम करेंगे और वो पूरा हमारा साथ देंगे। सर हुड्डा को आपने चैलेंज किया था कि अगर दम हो तो आप लड़के दिखाओ, लेकिन उनके विधायक की बात करें, बड़ौदा से विधायक इंदुराज पालो, तो उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई के लिए उनका एक सिपाही काफी है, अगर हुड्डा साहब मेरे पर जाते थे तो मैं काफी